हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप की न्यू अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, विंटर स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ठंड शुरू हो चुकी है। जैसे गाइस विंटर स्टार्ट होते ना, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिनके अंदर ना विंटर के अपडेट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस अभी ना विंटर की स्टार्टिंग ही हो रही है, तो गाइस काफ़ी सारे गेम हैं जिनमें विंटर के अपडेट आ रहे। तो ठीक है, हमारा जो गाइस कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप है, इस गेम में भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाला है। ठीक है, तो गाइस लास्ट ईयर ना हमें विंटर में एक अपडेट देखने मिला था, जिसके अंदर गाइस हमें एक इवेंट देखने मिला था, छोटा सा इवेंट देखने मिला था। अगर जो बंदे ना एक साल से गेम खेले उन्हें पता होगा कि लास्ट ईयर कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप में हमें ये अपडेट देखने मिला था, जब एक सेंटा क्लॉज होता था जिसके पास में एक कंटेनर होता था और उसके अंदर होती थी गाइस एक चमचमाती रियर कार। अपने को क्या है, 35 बॉक्स कलेक्ट करने होते थे जो सिटी में यहाँ वहाँ पड़े होते थे, तो हमें ना उसको ढूंढना पड़ता है, सारे कलेक्ट एक बार हम कर लेते उसके बाद में गाइस वो बॉक्स लेके हमें आना पड़ता था इस सेंटा के पास में, और सेंटा गाइस उसके बदले में अपने को एक रियर कार देता था। ठीक है, अपन ये इवेंट एक ही बार खेल सकते थे, एक बार कंप्लीट कर दिया उसके बाद अपन इसको नहीं खेल सकते थे। ठीक है, तो ये अपडेट ना गाइस काफ़ी ज़्यादा मस्त था। इस अपडेट के अंदर ना पूरा मैप एकदम बर्फीला हो चुका था, पूरा विंटर वाला वाइब आता था और बहुत सही मज़ा भी आती थी इस गेम के अंदर खेलने में। तो गाइस अभी इस साल इस गेम के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है, तो क्या हमें ये अपडेट देखने मिलेगा? तो गाइस ये अपडेट हमें ज़रूर देखने मिलेगा। ठीक है, चांसेस है कि ये अपडेट ना हमें गेम के अंदर बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा, मतलब जल्दी नहीं देखना मिलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं आपको बताऊंगा कब मिलेगा। तो गाइस इस गेम में ना अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे, लैग इशू चल रहे, उसके अलावा ग्लीचेस बहुत सारे, जिसमें गाइस आपकी कार फंस जा रही, किसी की कार गायब हो जा रही है, किसी की कार ऑक्शन में फंस जा रही, तो किसी की कार उल्टी हो जा रही है, किसी का मतलब शोरूम ही गायब हो जा रहा है, बहुत सारे ग्लीचेस हैं, मतलब भरे पड़े गए, गेम बिल्कुल चल नहीं रहा है। तो इसके लिए गाइस अभी तो हमें एक ग्लीचेस फिक्स वाला अपडेट देखने मिलेगा, उसी के साथ में गाइस हमें ना विंटरलैंड वाला अपडेट अभी शायद देखने ना मिले, बट थोड़े दिन में हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी ना हमें इस गेम के अंदर ना हॉलीवुड वाला अपडेट भी आ सकता है, मतलब चांसेस है कि हॉलीवुड वाला अपडेट भी हमें देखने मिले, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है गेम के अंदर हमें कोई भी अपडेट देखने नहीं मिला, 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम बीत चुका है बट अभी तक गेम के अंदर कोई अपडेट नहीं आए। तो गेम के अंदर चांसेस है कि अभी ना हमें हॉलीवुड वाला अपडेट देखने मिले या फिर उसके बाद में विंटर वाले के, तो मतलब कंफर्म है गाइस विंटर वाला अपडेट ना आपको देखने मिल जाएगा। तो विंटर वाले अपडेट में इस साल हमें क्या देखने मिलेगा, वो भी तो सोचने वाली बात है ना। तो इस साल हमें क्या क्या देखने मिल सकता है, ठीक है, सबसे पहले गाइस जो हमारा मैप होता है ना गाइस वो एकदम बर्फीला हो जाता है, लास्ट ईयर जैसे अभी हुआ था, अगर देखो देख रहे हैं आपको वीडियो में देख रहे हैं ये लास्ट ईयर का गेम प्ले, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैप तो हमारा ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में हमें एक इवेंट भी देखने मिलता है, जैसे लास्ट ईयर हमें रियर कार वाला देखने मिला था, उस तरह से इस बार भी हमें एक इवेंट देखने मिलेगा जो जिसके अंदर हमें कोई रियर कार ज़रूर मिलेगी, मतलब कुछ न्यू कार भी अभी गेम के अंदर ऐड होने वाली है, तो हमें एक रियर कार उसके अंदर मिलेगी। अभी का जैसे ना हर इवेंट मतलब इवेंट नहीं आते, छोटे मोटे कुछ भी टास्क वगैरह मिलते हैं, जिसके अंदर हमें बुगाटी मिली थी, उसके बाद में और कुछ कार मिली थी, मैकलेनर मिली थी, इस तरह की कार रियर कार हमें मिलती है। उसी तरह से गेम के अंदर ना अभी एक और न्यू रियर कार हमें ना विंटरलैंड इवेंट के अंदर देखने मिलने वाली, जिसके लिए हमें टास्क क्या होंगे वो नहीं पता, लास्ट ईयर तो बॉक्स कलेक्ट करने का था, इस साल कैसा होगा वो नहीं पता, बट कोई एक मिशन देखने मिलेगा, मिशन कंप्लीट करने के बाद में गाइस आपको मिल जाएगी एक चमचमाती हुई रियर कार। तो गाइस इसके बाद में एक और ये सवाल आता है कि वो कार कौन सी होगी। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हमारे गेम में ना 4-5 रियर कार थी, निसान GTR थी, मजदा थी, उसके बाद में और अपने को फरारी देखने मिलती थी, इस तरह की 3-4 कारें थी, उसमें से कोई एक कार निकल जाती थी, किसी किसी की ना जैसे कोई नॉर्मल कार भी निकल जाती थी, लक पे होता था, ज़्यादातर तो रियर कार निकलती थी, बट इस साल ऐसा नहीं हो गया था, हमें ना एक ही कोई न्यू रियर कार ऐड हो जाएगी, जैसे गए थे अपने को मैकलेनर राइड हुई थी पीछे, उसके पहले बुगाटी हुई थी, उस तरह से एक न्यू रियर कार ऐड हो जाएगी, उसके बाद में वो जैसे अपना मिशन कंप्लीट कर दोगे तो आपको रियर कार डायरेक्ट मिल जाएगी। बट गाइस वो कार कौन सी होगी वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसके अभी तो पता नहीं गए कि वो रियर कार कौन सी हो सकती है। तो आप कौन सी कार चाहते हो इस गेम के अंदर ना, एक रियर कार आप कौन सी चाहते हो फटाफट कमेंट करो, सभी लोग ना गेम के अंदर आप न्यू रियर कार कौन सी चाहते हो वो जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, तो गाइस ये अपडेट देखने को आपको कब मिलेगा, ठीक है, दिवाली के बाद में शायद ये अपडेट हमें देखने मिल जाए, क्योंकि अभी तो हमें एक ग्लीचेस फिक्स वाला अपडेट भी चाहिए, वो तो हमें जल्दी देखने मिलेगा, बट ये विंटरलैंड वाला जो अपडेट है ना
वो भी हमें देखने मिलने वाला है जो दिवाली के बाद में गए। अब इसकी डेट वगैरह तो कोई कंफर्म हुई नहीं, बट जैसे ही डेट कंफर्म होती तो मैं आपको वीडियो बना के बता देता हूँ। सबसे पहले जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही मुझे इस गेम के अपडेट के बारे में कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके साथ में वो शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो अपन यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।